हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आरिफिला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट आर बीइंग यूज्ड इन किचन कैबिनेट्स। इन कंटिन्यूएशन विद Previous video part 1. So, अगर आप मॉडल किचन बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं तमाम तरह के मटेरियल के बारे में डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। नाउ जो नेक्स्ट मटेरियल आता है वो है HDHMR। HDHMR स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस। सो इस बोर्ड की खास बात क्या होती है कि ये MDF से बेटर है। MDF में क्या प्रॉब्लम थी कि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस नहीं है, सो इसलिए उसको सिंक सेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे प्लाई के मैं रेकमेंड कर रहा था। लेकिन अगर आप HDHMR से बोर्ड से अगर आप किचन कैबिनेट बनवाते हैं सो आप जितने भी सेक्शंस हैं सब जगह आप इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। इस मटेरियल की खास बात क्या है कि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। सेकेंड, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक्सपेंसिव मटेरियल है। इसमें भी आपको फिनिश्ड फॉर्म में आएगा, जो सरफेस होगा वो फिनिश्ड फॉर्म में आता है। इसमें दो तरह के HDHMR आपको मिलेंगे, एक वन साइडेड फिनिश्ड फॉर्म आएगा और एक जो आएगा वो बोथ साइडेड फिनिश्ड फॉर्म आएगा। सो इसमें आपका जो खर्चा होता है इंटरनल साइड में जो लैमिनेट लगवाने के लिए वो आपका बच जाता है। बाकी अगर आप प्लाईवुड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इनर साइड में भी आपको लैमिनेट लगवाना पड़ता है अलग से, आउटसाइड में भी लैमिनेट लगवाना पड़ेगा। लेकिन जो HDHMR मटेरियल है उसमें बैक साइड में आपको लैमिनेट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप वन साइडेड परचेस करते हैं तो। एंड अगर आप बोथ साइडेड फिनिश्ड फॉर्म HDHMR परचेस करेंगे सो आपको इसमें लैमिनेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो वहाँ पर आपका एक कॉस्ट बच जाता है। लेकिन ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्लाईवुड। नो डाउट आपको जो लुक मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाईवुड और HDHMR के कॉम्बिनेशन से किचन बनवाते हैं सो आपको लुक भी अच्छा मिलेगा, स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलेगा एंड क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि जो बैक साइड होता है कैबिनेट का, ठीक है, जो इंटरनल पोर्शन होता है उसको आप प्लाईवुड से बनवाइए, गुड क्वालिटी ऑफ प्लाईवुड से बनवाइए आई वुड से। एंड जो आउटसाइड है उसका, ठीक है, जितने भी शेल्फ है, ड्रॉर है, ठीक है, जो उसका फ्रंट सेक्शन है वो उसमें आप जो है HDHMR यूज़ कीजिए। सो आपको लुक भी बहुत अच्छा मिलेगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी एंड जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। नाउ जो नेक्स्ट मटेरियल है जिससे आप किचन बनवा सकते हैं वो है पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड वन ऑफ द चीपेस्ट मटेरियल है जिससे आप अपने किचन को बनवा सकते हैं। इसकी लाइफ बहुत कम होती है, कॉस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। सो एडवांटेज इसका क्या है कि ये बहुत ही चीपर होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। ये बनता किससे है, ये सॉडस्ट और जो वुड वेस्ट होता है उसके कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। ये एक ऑप्शन है जिस पे आप जा सकते हो अगर आपका बजट बहुत ही कम है, अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड कि आप पार्टिकल बोर्ड पे जाओ। सो जितने भी मटेरियल होते हैं वो हैवी वेट के होते हैं। सो किचन कैबिनेट का जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है स्ट्रेंथ। सो अगर स्ट्रेंथ ही अच्छी नहीं है सो मॉडल किचन बनाने कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो इसलिए इस पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहता है कि इस मटेरियल को आप यूज़ ना करें क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही कम होती है। सो इस मटेरियल को वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे लाइट कुकिंग का ऑप्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल ना रखा जा रहा हो, लाइक ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा ना हो, कम मटेरियल को आप रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो। सो वहाँ पे आप जो कैबिनेट्स होते हैं वो इस पार्टिकल बोर्ड से बना सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट मटेरियल वो है PVC बोर्ड। PVC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये जो है इजी टू फिक्स है, इजी टू क्लीन है, ठीक है, कलर के फॉर्म में आते हैं, ये जो भी कलर चाहिए उस कलर के फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट कि ये जो है मटेरियल इसमें टर्माइट लगने के चांस नहीं होते हैं, वाटर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है। सो इसकी जो वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज है वो है कि ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। सो स्ट्रेंथ वेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। सो अभी मैंने
बात किया था कि जो किचन कैबिनेट्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड पीवीसी जो मटेरियल होता है जो कैबिनेट्स बनते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। सो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किचन कैबिनेट्स इसके सही रहते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पीवीसी मटेरियल से किचन कैबिनेट्स बनवाएं। सो इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम रहती है। एंड अगर कॉस्ट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू प्लाईवुड, ठीक है, जो प्लाईवुड है या वुड है उसके कंपेरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बजट फ्रेंडली है। सो अगर आपको पीवीसी बोर्ड से बनवाना है किचन कैबिनेट तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इस पर ना जाएं। सो जो नेक्स्ट मटेरियल आता है जिससे आप किचन कैबिनेट बनवा सकते हैं वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आज के टाइम पे बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस मटेरियल की हेल्प से किचन कैबिनेट बनवाते हैं, एंड इसका जो वन ऑफ द मेन रीज़न है वो है कॉस्ट। ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है पहली चीज़। दूसरी, इसमें जो फिनिश है ना वो बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि जो भी फिनिश आप चाहोगे वो मिल जाएगा इसमें। सो फिनिश की वजह से और मेन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, सो इस वजह से लोग इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, एंड इसके बारे में लोग जानते भी नहीं कि इससे भी किचन बनता है। सो कुछ इस तरह का मटेरियल होता है जिससे किचन बनता है ये। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। पहला चीज़, इसमें रस्टिंग का कोई चांस नहीं होता है, इजी टू क्लीन है, एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, फायर रेजिस्टेंस है, टर्माइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो इसके एडवांटेज एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है, बट ये एक्सपेंसिव है। एंड लाइफ की बात करें, मीन्स ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सो अगर आप के पास बजट बहुत अच्छा है सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस मटेरियल पे जाइए। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे आप अगर आप किचन बनवाते हैं सो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। छोटा सा भी किचन अगर आप बनवाते हैं इससे वो भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। सो बजट के अकॉर्डिंग ही आप इस मटेरियल को प्रेफरेंस दीजिएगा, अदरवाइज़ आप प्लाईवुड पे जाइए, HDHMR पे जाइए, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाईवुड और HDHMR पे जाइए। ना जो नेक्स्ट मटेरियल आता है वो भी एक एडवांस मटेरियल है जिससे आप किचन कैबिनेट को बनवा सकते हैं। अभी ये ट्रेंडिंग में नहीं है क्योंकि लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर ही नहीं है, एंड ये मटेरियल है बाइसन पैनल। बाइसन पैनल पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसपे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये मटेरियल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, वुड एंड अदर केमिकल की कॉम्बिनेशन से इस मटेरियल को बनाया जाता है, दैट इज़ बाइसन पैनल। बाइसन पैनल की खास बात क्या है, इसमें भी टर्माइट लगने के चांस नहीं है, सेकेंड फायर का कोई चांस नहीं है, इसमें मॉइस्चर का कोई इशू नहीं आता है, इनसे फूलता वगैरह नहीं है, ठीक है। एंड ये लाइट होता है मटेरियल, ठीक है। अगर वेट की बात करें तो ये बहुत ही लाइट मटेरियल होता है। स्ट्रेंथ की बात करें, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ प्लाईवुड विद कंपेरिजन टू बाइसन पैनल, सो ये कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसके जो एडवांटेज हैं वो प्लाईवुड से बहुत ज़्यादा हैं। बस लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है तो इसलिए इस मटेरियल के बारे में जानते नहीं हैं। सो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी बाइसन पैनल के बारे में, एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर बाइसन पैनल से किचन बनवाएं। बस थोड़ा सा बजट एज़ कम्पेयर टू प्लाईवुड इसमें ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। सो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि किचन कैबिनेट को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए या कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, एंड आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।